नमस्कार दोस्तों, स्टार 70 न्यूज में आपका स्वागत है। खबर है यूपी से भदोही की। भदोही के थाना उंज के अंतर्गत सिंकी चौरा निवासी सुधाकर तिवारी उर्फ बनारसी तिवारी जी को गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जा रहा है षड्यंत्र। जी हां दोस्तों, बगल में रहने वाले विजय शंकर तिवारी नाम के व्यक्ति ने सुधाकर तिवारी की जमीन पर जबरन कब्जा करते हुए अवैध नाली का निर्माण कराने का प्रयास में लगे हैं। यह कहां की मानवता है। बात यही नहीं खत्म हुई, विजय शंकर तिवारी अपने घर के महिला को मोहरा बनाकर साधारण व्यक्तियों को फंसाते हैं और मोटी रकम लेकर सुलह हो जाती है। यह प्रक्रिया इनका लगातार चल रहा है। इनके द्वारा सुधाकर तिवारी को फंसाने के प्रयास जारी है। सुधाकर तिवारी मीडिया के माध्यम से प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे साथ प्रशासन ने साफ करें और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। झूठे आरोप में किसी को फंसाने की चाल करें। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, संजय शुक्ला की खास रिपोर्ट। उनका कुछ कागज है आपके पास? जी जी, हमारे पास कागज है। जो भी कागज है, ग्राम सभा के कई अभी पिछले महीने जो है 3-4 लड़कों को फंसा दिए थे, तो बाद में जो है ये सुलहनामा करके उसके एवज में किसी से 70,000, किसी से 50,000, किसी से 10,000 इसी तरीके से कमाई करते हैं। और ये पूरी तरह से एक प्रकार से दलाली कर दिए हैं, थाने से दलाली, न्यायालय से दलाली, लोगों के बीच में जा करके जो है झगड़े झंझट करना या लोगों से झगड़े झंझट करवाना, इस तरह से इनके एक मानसिकता बन गई है। आने वाले थाने पर आप सूचना दिए? थाने पर हमने कई बार इनका सूचना दिया, इनके विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ से लेकर उच्च अधिकारियों तक हम लोगों ने इनका शिकायत किया। गाँव की इसी तरह लोगों को फंसाते रहते हैं। यहाँ तक अगल बगल में गाँव में भी जो है इनका भय व्याप्त है। थाने वाले भी जो है बुलाएं के उद्योग समझाए, समझाने का प्रयत्न करें, लेकिन उनके खिलाफ भी जो है अप्लीकेशन उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दे रहे। माने इनके खिलाफ जो आवाज उठाए उसको फर्जी तरीके से मुकदमे फंसा देते हैं। आम आदमी छोड़िए, थाने वालों को, आम आदमी छोड़ दीजिए, थाने वालों को भी फंसा देते हैं। ये सब सारे ग्रामीण करें, इससे भी आप पूछ लीजिए, सब आपको गवाह उनके बारे में बताएंगे। जो है क्या ये सही कह रहे हैं भैया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। विजय शंकर फ्रॉड आदमी है, ये बहुत लोगों को फंसा चुका है। हाँ, इसका यही काम है दलाली करना और यहाँ तक अपनी लड़की को माध्यम से भी उपयोग करता है, उपयोग करता है, बाद में सुलह करके उनसे पैसा अटता है। और इसका कहीं न्यायालय मुकदमा चल रहा था, बाद में सुलहनामा करके उनसे पैसा भी ले लिया है। इसके कई लोग गवाह भी है। आपका नाम क्या है? सुधाकर त्रिपाठी, बनारसी तिवारी है। अच्छा अच्छा, और क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है जो है कि हमारा जमीन है और कुलिया है हमारा हैदर अली का और सुधाकर तिवारी का जो है कुलिया है। इसमें विजयी जबरदस्ती जो है दबंगई द्वारा इसमें खड़ंजा कर रहे हैं, नाली है और हमारे कागज में प्रधान से लिखवाया हूँ, भूतपूर्व प्रधान से, इसमें नाली भी नहीं है, खड़ंजा भी नहीं है और अपने धमका करके दबा करके दबंगई से लड़की कहीं ले जा करके छेड़खाने में लिखवाते हैं और पूरे गांव को ऐसे फंसा रखते हैं, फंसाने की कोशिश करता है। सबका कागज है सबका, जिसका जो है हमारे पास कई, हमने जो है कल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को भी हमने एक जो है एप्लीकेशन दिया था कि जिसमें जो है कई बार हमको फंसाने की कोशिश की है गांव की सभा की, तो हम श्रीमान पुलिस अधीक्षक से अनुरोध करते हैं कि विजय शंकर तिवारी सनातनाथ तिवारी के ऊपर उच्च अधिकारियों से या और अपने मार्फत से जांच करा के उचित कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। चलिए, धन्यवाद। संजय शुक्ला की रिपोर्ट।